एवरीवन, मोस्ट वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स में। दोस्तों, नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का जो फॉर्म है यूजी का, उसमें कैटेगरी के लिए करेक्शन जारी हो चुका है 14 जून को, यानी कल की डेट में। दोस्तों, ये 16 तक डेट है। कैटेगरी आपको कैसे चेंज करनी है वो हम इस वीडियो में पूरा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें ये बेल आइकन, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको लेकर चलते हैं नीट की वेबसाइट पर। वहां पर हम आपको बताएंगे, क्योंकि नीट की जो कैटेगरी का करेक्शन है वो ओपन हो चुका है, कैसे आपको वो करेक्शन करना है, क्या कुछ इसमें प्रोसेस है, सारी चीजें क्लियर करेंगे। तो देखिए, हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और यहां आपको दिखाएंगे कैसे आप चेंज कर पाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको नीट की वेबसाइट ओपन कर लेनी है, neet.nta.nic, ठीक है, ये वेबसाइट है। तो यहां पर देखिए, रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी, इस पर क्लिक करना है तो आपका जो लॉगिन वाला पेज है वो ओपन हो जाता है। तो इस पेज पे जाकर आपको अपना फॉर्म लॉगिन करना है, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं नीट का क्या कुछ नोटिफिकेशन आया है। देखिए, नीट की वेबसाइट नीचे है nta.ac.in, यहां पर नोटिफिकेशन आया है। देखिए, 14 जून में नोटिफिकेशन है करेक्शन ऑफ कैटेगरी, इसको आपने क्लिक करना है और यहां पर हम आपको दिखाते हैं 14 जून से स्टार्ट हुआ है और 16 जून तक चलेगा, यानी आज का और कल का टाइम है आपके पास, शाम को यानी रात को 9 बजे तक। तो उससे पहले आपको अपनी कैटेगरी करेक्शन करनी है, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जिनका कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं बना था या फिर गलती से उनसे नहीं लग पाया, तो वो अब इसको करेक्शन कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस पेज पर जाने के बाद यहां देखिए, इस फॉर्म को आपने लॉगिन कर लेना है। आईडी और पासवर्ड एंटर करके आपको यहां पर फॉर्म लॉगिन करना है और साइन इन पर क्लिक कर देना है। तो यहां पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट है, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट, व्यू पेमेंट डिटेल्स कंप्लीट, यानी सब कुछ ठीक ठाक है। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो रेड कलर का मार्क आ जाता है और वो आपको सही करनी होती है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां देखिए, प्रेस द बेलो बटन टू प्रोसीड फर्दर फॉर करेक्शन। जब पहले करेक्शन ओपन हुआ था तब भी ऐसे ही विंडो आ रही थी और अब भी ऐसे ही विंडो आ रही है। तो यहां पर करेक्शन इन एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं, करेक्शन इन एप्लीकेशन फिर से क्लिक करते हैं और यहां क्लिक करने के बाद यहां पर एक OTP मोबाइल पर भेजा जाता है, उस OTP को हमने यहां एंटर करना है। देखिए, हम OTP एंटर कर लेते हैं। देखिए, हमने यहां पर OTP एंटर कर लिया है और वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। तो देखिए, OTP यहां पर एंटर करते ही यहां पर देखिए इनकम्प्लीट लिखा हुआ आता है, यानी फाइनल सबमिट हमने नहीं किया है, इनकम्प्लीट है फॉर्म। तो उसके लिए हमने क्या करना है, देखिए, इनकम्प्लीट तो हम बाद में इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन पहले हमको तो अपना करेक्शन करना है ना। तो यहां पर देखिए, कॉन्टैक्ट डिटेल पर्सनल डिटेल, यहां पर देखिए पर्सनल डिटेल पर क्लिक करना है। तो यहां पर कैटेगरी का ऑप्शन, श्रेणी कैटेगरी, ये ओपन है, बाकी सारे लॉक हैं। ये देखिए, कोई भी करेक्शन नहीं हो सकता है, बाकी सब लॉक हैं, लेकिन सिर्फ कैटेगरी आपकी ओपन है। तो आपने क्या करना है, कैटेगरी आपकी OBC है या SC है, ST है, उस पर क्लिक करना है और उसके बाद में नीचे जाकर यहां कैप्चा कोड एंटर करके इसको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपनी कैटेगरी को करेक्शन करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाली विंडो है ये ओपन होगी। देखिए, यहां पर मैं आप क्लिक करके दिखाता हूं, यहां पर देखिए करेक्शन नॉट अलाउ, नॉट अलाउ है। यहां पर एक ऑप्शन और जुड़ जाएगा जिसमें आपसे कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो आप यहां पर कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइनल सबमिट वाला बटन आ जाएगा, जैसे कि यहां पर देखने को मिलता है आपको। ये देखिए नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहां फाइनल सबमिट का बटन है, सेम ऐसा ही बटन आ जाएगा और आपको फाइनल सबमिट कर देना है और इस तरह से आपके फॉर्म का जो करेक्शन है वो सक्सेसफुली हो जाता है। इसके अलावा इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आकर हमसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।